नमस्ते। बीएड प्रथम वर्ष आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न उपकरणों का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई है ना, तो सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विभिन्न प्रकरणों का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण सामाजिक विज्ञान के जो विभिन्न प्रकरणों का जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, उसमें सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण उपयोगी एवं व्यापक विषय है। इसमें मानव जीवन के जो भूतकालीन परिदृश्यों पर भी विचार किया जाता है और जो भविष्य की जो समस्याओं पर विचार किया जाता है, और इस समस्या इस प्रकार जो विषय के अतीत और भविष्य की जो अवधारणाओं को गतिविधियों और संभावनाओं पर प्रकाश हम डालेंगे। इसमें जो निम्नलिखित रूप में जो प्रस्तुत किया जा सकता है, उसमें जो पहला अपना है विश्व युद्ध एवं स्वतंत्रता का संघर्ष, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो विश्व युद्ध एवं स्वतंत्रता का जो संघर्ष है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें जो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन भी है, किसान एवं जनजातियों का आंदोलन भी है, शहरीकरण के प्रभाव और पलायन एवं शहरी में वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन और नगरी जीवन, ये सामाजिक विज्ञान के विभिन्न जो प्रकरणों का जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें आज जो अपन अध्ययन करेंगे उसमें विश्व युद्ध एवं स्वतंत्रता का संघर्ष के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विश्व में जो महायुद्ध हुए उसमें भारत में स्वतंत्रता की जो अग्रिम भूमिका निभाई है ना, तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है कि 19वीं शताब्दी तक राष्ट्रीयता का जो विचार पर्याप्त लोकप्रिय रहा और उसे किसी भी सीमा तक विश्व राजनीति की सभी समस्याओं का समाधान माने जाने लगा, परंतु राष्ट्रीयता ने अतिवाद का रूप धारण कर लिया तो विश्व की शांति भंग होने लगी। इसके साथ में जो उग्र राष्ट्रीयता की जो भावना से प्रेरित होकर यूरोप के अनेक राष्ट्र इस तथ्य का दावा करने लगे कि उन राष्ट्र की विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है और अन्य राष्ट्र उनसे हीन है, अतः जो उन्हें ही विश्व के अन्य भागों पर शासन करने का अधिकार है, और इस प्रकार राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। फलस्वरूप जो सन 1914 से 1945 है ना, ये जो है विश्व युद्ध की आग में चलता रहा है ना, तक विश्व युद्ध है ना। फिर इस जो समय अंतराल में विश्व स्तर पर जो दो युद्ध हुए, इन दोनों विश्व युद्धों को क्रमशः प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध
दो युद्ध हुए, पहला बताया जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा बताया गया द्वितीय विश्व युद्ध। है ना, इसमें जो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उसमें 1914 में हुआ, कब हुआ 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और जर्मनी का औद्योगिक देश बनना एवं माल के लिए बाजार ढूंढना तथा जर्मनी का इंग्लैंड के साम्राज्य तथा समुद्र शक्ति से द्वेष इस महायुद्ध के कारण थे। इसमें विश्व के बड़े बड़े देशों में एक और मित्रत्व राष्ट्र के रूप में इंग्लैंड इंग्लैंड रूस अमेरिका और फ्रांस, ये और दूसरी तरफ ये और दूसरी तरफ है जो उसमें जो बताया गया है, दूसरी तरफ जो थे वो जर्मनी ऑस्ट्रिया और तुर्की। बुल्गारिया आदि देश थे। ये चार वर्षों तक निरंतर ये भयंकर युद्ध चलता रहा, यानी कि 1914 से लगातार 1918 तक चलता रहा और 1978 में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद इसका समापन हुआ। 1918 में फिर इसका जो समापन हो गया, है ना। तो ये 11 नवंबर क्या है, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के अंत के साथ युद्ध तर सभी राष्ट्र के प्रति निधियों में युद्ध विराम की घोषणा कर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि 1918 नवंबर 1918 में इसका समापन हो गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध आता है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में बताया गया है कि भारत देश जो अंग्रेजों के अधीन था और भारत देश स्वतंत्र हुआ है, इसी की बहुत भूमिका मानी जाती है। किसकी, द्वितीय विश्व युद्ध की। उसमें जो बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्ति के 20 वर्ष बाद, यानी कि 1939 के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 20 वर्ष बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इस विश्व युद्ध के प्रमुख जो कारण था वर्साय संधि की असफलता, असफलता और जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय और मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिज्म का उदय और संयुक्त राज्य संघ की असफलता, ये जो है संयुक्त राज्य संघ की असफलता।
आदि इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर इसमें इस युद्ध में अनेकों लड़ाइयाँ हुई, करोड़ व्यक्ति मारे गए, घायल हुए, शरणार्थी बनाए गए और अनेक बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, है ना। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत बहुत ये हुआ और जर्मनी के दो टुकड़े हो गए तथा बर्लिन को भी बांट दिया गया। जापान जो नागासाकी तथा हिरोशिमा पर एटम बम गिराए गए जिससे उसमें आत्मसमर्पण कर दिया और अंत में अक्टूबर 1945 अक्टूबर 1900 बम गिराए गए और आत्मसमर्पण दिया और अंत में अक्टूबर 1945 में युद्ध विराम 1945 में युद्ध विराम करके और हस्ताक्षर कर दिए गए। तो विश्व में जो शांति की जो स्थापना के जो उद्देश्य 24 अक्टूबर कितना है 24 अक्टूबर तो 24 अक्टूबर सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। सैन फ्रांसिस्को में जो कि अमेरिका में भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएट पार्टी जो दाताभाई नेहरू जी के नाम से बनी थी और जिसको हम ग्रांड ऑलमेल के नाम से भी जानते हैं, कैप्टन जो सुभाष चंद्र बोस मॉरिसन आदि के जो प्रयासों से उस समय आजादी हिंद फौज की स्थापना हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो बढ़ती हुई शान को देखकर अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर बम गिराए। पहले बताया था मैंने हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो ये परमाणु बम डाले और बम गिराए और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया और उससे आत्मसमर्पण कर दिया और ब्रिटिशों पर भारत का लगातार आजाद करने का दबाव बढ़ता गया और विश्व शांति द्वारा जो दबाव बनाया गया जा रहा था इससे जो अमेरिका के रुडोल और ल्योटन चीन के हेनरोसी एवं जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दबाव बनाए जाने लगा और भारत देश को आजाद किया जाए। इसके अंतर्गत भारतीय जो स्वतंत्रता की जो आम भूमिका थी उस समय भारत पर दबाव बढ़ाया गया और विदेशों का साथ दे। जब अंग्रेजों का जो शासन था उस समय अंग्रेज यह चाहते थे कि भारतीय हमारी तरफ से लड़े और कई आंदोलन किए जिसके मध्य से हमें स्वतंत्रता मिली और आज़ादी मिली। द्वितीय विश्व युद्ध का यही कारण था। तो आज अपन ने जो अध्ययन किया है उसमें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न प्रकार का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत विश्व युद्ध एवं स्वतंत्रता का जो संघर्ष है उसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा कक्ष को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।